सौतेली माँ का परिवर्तन। ये एक ऐसी कहानी है जो आपने सुनी होगी, जिसके बारे में आपको पता होगा, पर एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ओह, आकाश के प्यारे चंद्रमा, मुझे बताओ, क्या मैं सबसे सुंदर नहीं हूँ? हाँ मैडम, तुम इस ग्रह की सबसे सुंदर औरत हो, और मैं पूरे ग्रह को देख सकता हूँ। मेरा मतलब पूरी तरह नहीं, पर तुम तो समझ गई होगी। और हर पूर्णिमा की रात को मोहतरमा बियांका वही सवाल पूछती और उसे वही जवाब मिलता। बहुत जल्द एक खूबसूरत नौजवान दूर एक राज्य से बियांका का हाथ मांगने के लिए आया। पहली नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सर विलियम एक समझदार राजा था और उसके राज्य के लोग और उसकी बेटी नौरी उससे बहुत प्यार करते थे। क्या आप मेरी नई मम्मी हो? हाँ, तुमने सही पहचाना, और हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। कई साल बीत गए और नौरी बियांका के इतने करीब हो गई कि वो भूल गई कि वो उसकी सौतेली माँ है। सर विलियम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। बियांका जो भी मांगती या ना भी मांगती, उसे दिया जाता एक बार कहने पर। लेकिन राज्य बियांका की असलियत से अनजान था। किसी को नहीं पता था कि बियांका एक चुड़ैल थी। सब कुछ सही चल रहा था कि पूर्णिमा की रात को, आकाश के प्यारे चंद्रमा, मुझे बताओ, क्या मैं सबसे सुंदर नहीं हूँ? ओह, तुम थी, पर ओह, वो सबसे पवित्र है। कल रात मैंने उसे देखा और उसके लिए सबसे तेज चमकने लगा। क्या? मैं झूठ नहीं बोलता मैडम, तुम्हारी बेटी नौरी इस ग्रह में सबसे सुंदर है, और मैं पूरे ग्रह को देख सकता हूँ। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए, मेरी रोशनी से आपको तकलीफ हो रही होगी मैडम। बियांका परेशान तो थी, पर चंद्रमा की चांदनी से नहीं, बल्कि अपने मन के अंधकार से। बियांका जानती थी कि उसके पति उससे कितना प्यार करते थे और उसने उसका फायदा उठाया। उसने विलियम को बताया कि वो बहुत दुखी है, क्योंकि उन्हें नौरी को जाने देना होगा ताकि वो राज्य को संभालना सीख सके और इकलौती वारिस होने के नाते सिंहासन पर राज करे। मैं सहमत हूँ मेरी जान, लेकिन घने जंगल में? और तभी जलन सातों राज्यों में सबसे होशियार चुड़ैल पर हावी हुई। हाँ मेरी जान, वो शाही स्कूल में नहीं, बल्कि सबसे घने जंगल में जाएगी। हाँ मेरी जान। तैयारियां हो चुकी थी, प्लान बहुत ही आसान था। नौरी को घने जंगल में भेजा जाएगा और बियांका का एक भरोसेमंद सहायक इस बात का ध्यान रखेगा कि नौरी कभी वापस ना लौट पाए। पर यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। अरे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये लेडी बियांका के आदेश हैं राजकुमारी, कि आपको जंगल में रहना होगा और एक आम इंसान के तौर तरीके सीखने होंगे, ताकि आप भविष्य में राजपाट संभाल सकें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ही लेडी बियांका हूँ। शायद ये सदमे में हैं। बकवास बंद करो, समझे? अरे नहीं, ये तो उनकी तरह बात कर रही हैं। हमें माफ करना राजकुमारी, पर ये महल के आदेश हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके पिता आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा। काफी सालों से इस तरह मुझे किसी ने नहीं डांटा। क्या ये चुड़ैल का क्रिस्टल है? विलियम, मेरी जान, ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम एक चुड़ैल हो, या सिर्फ यहाँ तुम्हें ही जादू टोना आता है? हाँ क्या? नहीं, मेरा मतलब, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहती थी, वो मेरा खून है, और तुम एक मामूली औरत जो उसकी देखरेख के लिए रखी गई थी। क्या? तुम मेरे महल में रहने लायक नहीं हो,
और ना ही नूरी की जिंदगी में और ना मेरे दिल में। मेरी जान। लेकिन पता है क्या, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम मेरी बेटी के साथ करने वाली थी। ना ही तुम जादू करने के लायक रहोगी, बल्कि अब से महल के पहरेदार तुम्हें नूरी ही समझेंगे, और साथ ही तुम्हारा भरोसेमंद सहायक जो नूरी को ठिकाने लगाने वाला था। अपना ख्याल रखना मेरी जान। नहीं। और उसी पल बियांका को एहसास हुआ कि वो कितनी अकेली है। उसने जंगल में कदमों की आहट सुनी और उसे पता था वो कौन है। आखिरकार नौरी को ठिकाने लगाने के लिए उसने सबसे सर्वोत्तम को चुना था। बियांका एक जमाने में जो सबसे सुंदर और होशियार चुड़ैल थी, अब गरीब थी और अपनी किस्मत से बचने के लिए जंगल में भाग रही थी। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होने लगा, पर बियांका भटकती रही। आखिरकार एक रात उसने अंधेरी रात में धूप की एक किरण देखी। रात में धूप की किरण? शायद मैं पागल हो गई हूँ। किरण एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ रही थी और वो हैरान रह गई जब उसने दो परियों को देखा। ओह, अब हम क्या करें? ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। हम इसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जादू काफी नहीं है। आखिर बात क्या है? पहले पहल तो परियों को बियांका पर भरोसा नहीं था, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उसे अंदर बुलाया। वहाँ घास से बने बिस्तर पर एक लड़का सो रहा था। उसका रंग उड़ा हुआ था और हाथ पांव पीले पड़ चुके थे। वो नींद में कांप रहा था। हमें ये तालाब के पास मिला, शायद ये अपने परिवार से अलग हो गया है। हमने जादू का इस्तेमाल किया पर कोई फायदा नहीं। ये एक छोटा बच्चा है, इसे जादू की जरूरत नहीं, इसे देखभाल की जरूरत है। बियांका ने घर को ठीक किया और साफ सफाई की। अगर ठीक होना है तो सबसे पहले घर को साफ करना चाहिए। अगर आप साफ हवा की सांस नहीं ले रहे हैं तो आप ठीक नहीं हो सकते। परियां ये देखकर खुश थी कि बियांका वो माँ बनी जिसकी जरूरत उस लड़के को थी। उन्होंने उसके निर्देशों को माना। उन्होंने जंगल से ताजे फल और सब्जी और मसालों को चुना, पानी को गर्म किया और थक जाने पर उस बच्चे के साथ ही सो गई। हेलो मैडम। ओह, कैसे हो मेरे दोस्त? आज मैं काफी जोश में हूँ। क्या तुम मुझसे अपना पसंदीदा सवाल नहीं पूछोगी? मैं जरूर पूछूंगी। ओह, आकाश में सबसे प्यारे चंद्रमा, मुझे बताओ मेरे पति विलियम और नूरी कैसे हैं? ओह हाँ मैडम, तुम बहुत एक मिनट, क्या तुम जानना नहीं चाहती सबसे सुंदर कौन है? काफी समय तक मैं सोचती थी कि मेरी सुंदरता ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अब मुझे देखो, मेरी आंखों के नीचे सूजन है और मेरी त्वचा काफी फीकी पड़ गई है और मेरे हाथ रूखे हो गए हैं, और फिर भी ये बच्चा जो मेरी गोद में सो रहा है, मेरे छूने पर इसे सुकून मिलता है। इसे एक माँ के प्यार की जरूरत है, चाहे वो सुंदर ना हो। नूरी को गले लगाने पर उसे भी ऐसा ही लगता होगा, और जलन की वजह से मैंने उसका ये हक भी छीन लिया। वो क्या था? बियांका ने परियों को जगाया और उन्हें निर्देश दिया कि वो बच्चे को किसी भी हाल में सुरक्षित रखे। तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरे लिए आया है। बियांका को पता था कि जिस पहरेदार को उसने नौरी के लिए रखा था, आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया है। उसने गहरी सांस ली और वो खुले मैदान में गई, और उसके दोस्त पूर्णिमा के चांद ने उसे वो रोशनी दी जिसकी उसे जरूरत थी। जानती हूँ तुम मेरे लिए आए हो, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन बच्चा अपने परिवार के साथ जुड़ जाए उसके बाद ही। और तुम इंतजार नहीं कर सकते तो मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और क्या हो अगर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ? विलियम! बिना सोचे बियांका ने उसे गले लगाया और वो फूट फूट कर रोने लगी। एक चुड़ैल हूँ जिसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ।
मैंने जंगल में तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें बदलते हुए देखा मेरी जान। तुम सिर्फ एक चुड़ैल नहीं हो, तुम सबसे होशियार और उदार चुड़ैल हो, और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर मैं तुम्हें महल और नूरी की जिंदगी में वापस ले जा सकूं। नौरी अपनी माँ के गले लग गई। राज्य के लोग अपने राजा और उनके प्यार के लिए खुशियाँ मनाने लगे। लड़के को उसके परिवार के पास भेजा गया। कम से कम बियांका को तो यही बताया गया था। मैं थोड़ा चिंतित था जब तुमने मुझे तुम्हें एक लड़का बनाने के लिए कहा। ये हमारा राज रहेगा। मुझे माँ की याद आ रही थी। परियों को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। ओ, एक बात और, मेरे प्यारे चंदा मामा, इस वक्त इस ग्रह पर सबसे सुंदर चीज क्या है? जाहिर है इस ग्रह पर सबसे सुंदर चीज प्यार है, जो मुश्किल समय में इंसान के दिल में रोशनी लाता है। बेटा, गुड नाइट चंदा मामा। गुड नाइट मून पाए, और आप सबको भी गुड नाइट।